मुझे याद दिलाया जा रहा था कि कई साल पहले मैं यहाँ आई, मुझे ये तो याद है कि मैं आई थी, और तब तो एक बार नहीं कई बार आए थे, लेकिन थोड़ा बदल सा गया है, कुछ नया कुछ पुराना, और समय के साथ बदलाव आता भी, और यही हम आपको कहते हैं कि अब समय के साथ बदलाव सियासी रूप से भी आना चाहिए। 10 साल बहुत हो गए देखते भाजपा को, और साथियों भाजपा का ये कुशासन अब ख़त्म करना है और लोकतंत्र हमें मजबूत करना है, तभी गरीब की सुनवाई होगी, किसान की सुनवाई होगी, हमारे युवा की सुनवाई होगी, कर्मचारियों की सुनवाई होगी। आज के दिन सारे के सारे दुखी हैं, सब त्रस्त हैं इनकी जन विरोधी नीतियों से। तो साथियों समय आ गया है बदलाव का, और ये बदलाव में आप साथ दीजिए कांग्रेस पार्टी का, हमारे गठबंधन का, ताकि अगली सरकार आपकी मर्जी की सरकार बने और आपके काम जिनकी आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके काम हो। आज आप सभी लोग दुखी हैं, कहीं फैमिली आईडी चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए, कहीं प्रॉपर्टी आईडी की बात हो जाती है, तरह तरह से आप लोगों को दुखी किया हुआ है। फिर कहते हैं ऑनलाइन जाओ, पोर्टल इनके कभी खुलते नहीं, कभी नेट काम नहीं कर रहा। कौन आदमी कौन इंसान अपना दिन के काम छोड़ छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ छोड़ के इनके दफ्तरों के चक्कर काटे? छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो साथियों सरकार होनी चाहिए लोगों के लिए, लोग सरकार के लिए नहीं हैं। सरकार का काम है लोगों के काम हो, सहूलियत हो, ताकि आप पनपें, आगे बढ़ें, युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं के लिए ज़िंदगी आसान हो, गरीब गरीबी से उठे, हमारे किसान को उसके फसल के उचित दाम मिले। तो साथियों ये बदलते हुए वक्त को आपने देखना है। 10 साल ज़ाया हो गए, अगले 10 साल खराब नहीं करने। कांग्रेस पार्टी का, हमारे गठबंधन का साथ दीजिए, ताकि आप सब के लिए हम मेहनत करें और आप आगे बढ़ें। किसानों को हम किसानों के कर्ज़े भी माफ़ करेंगे, उनको MSP की गारंटी भी देंगे। हर गरीब परिवार में हम एक महिला को, हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, ताकि गरीबी ऊपर उठे। साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज कई जगह हमको जाना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और 25 तारीख को, 25 मई को हाथ के निशान पर आप बटन दबाकर फिर से मौका दीजिए कांग्रेस को और मुझे, ताकि आपकी सेवा करें, इलाके की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।